हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और मैं अभी हूं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। और आज एक बार फिर से मैं वंदे भारत एक्सप्रेस में सफ़र करने वाला हूं। करीब 6 महीने बाद फिर से मैं इस ट्रेन में सफ़र कर रहा हूं और इस बार मैं ये देखना चाहता हूं कि इस ट्रेन में क्या क्या बदलाव हुए हैं, अच्छे या बुरे। तो चलिए चलते हैं सफ़र पर और देखते हैं कि हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस अभी फ़िलहाल कैसी है। तो दोस्तों, ये रही वंदे भारत एक्सप्रेस और दूर से मुझे दिख रहा है कि सामने की हालत कुछ ठीक नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये दाग आप देख सकते हैं, डेंट पेंट जो आप देख सकते हैं, तो ये हालत जो है वो अच्छे संकेत नहीं दे रहे यहाँ पे इस ट्रेन के लिए। लेकिन फिलहाल अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर की तस्वीर कैसी है इस ट्रेन की। और अंदर घुसते ही सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पे सीटों पे आप देख सकते हैं। खैर, पिछली बार की तरह इस बार भी हमारा स्वागत पानी के साथ ही हुआ। आप लोग आईजीएम से हो क्या? अच्छा। चाय पानी के बाद हमें सर्व होता है ब्रेकफास्ट। पर ब्रेकफास्ट करने से पहले ये है टोंडा स्टेशन और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेन की स्पीड काफी स्लो है। वो इसलिए क्योंकि स्टेशन पे करीब 60 किलोमीटर पर आवर का परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन है और यहाँ सारी ट्रेनें इसी स्पीड में गुजरती हैं। तो चलिए अब करते हैं ब्रेकफास्ट और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत कुछ नया यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कटलेट है और इस पैकेट में आपको पोहा मिल जाएगा। अगर मैं इसको ठीक से खोल पाऊँ अभी, तो आप देख सकते हैं पोहा बहुत ही लजीज है। और मैं यूं ही नहीं कह रहा है क्योंकि सच में टेस्ट बहुत अच्छा था। और उसके साथ ही साथ जो नॉर्मल चीज़ें हैं, मतलब कि जूस हो गया, ब्रेड एंड बटर हो गया, श्रीखंड हो गया, ये सारी चीज़ें मिलती हैं इस बार के ब्रेकफास्ट में। अगर बात करें पिछली बार की, तो वहाँ पे पता नहीं ये क्या क्या चीज़ें मिल गई थी, मतलब ऐसी चीज़ें थी जिनका नाम भी नहीं ठीक से ले सकते आप। तो उसकी तुलना में जो इस बार का जो इंडियन ब्रेकफास्ट था वो सच में बहुत ही बेहतरीन था। खैर, ब्रेकफास्ट के बाद चलिए देखते हैं कि इस ट्रेन में और कितने सारे बदलाव हुए हैं। एक और बदलाव मैं इन दरवाज़ों पे देख पा रहा हूँ। इनको अब बटन दबा करके खोलना पड़ता है, मतलब पिछली बार ये अपने आप खुलते थे, हालांकि बंद ये अपने आप हो जाते हैं, लेकिन इस बार आपको बटन दबा करके इन दरवाज़ों को खोलना पड़ता है। ये अपने आप नहीं खुलते, आप देख सकते हैं बटन दबाने के बाद ही ये दरवाज़े खुलते हैं। और इस बार हमें एग्जीक्यूटिव क्लास में सफ़र करने का मौका मिला और देख सकते हैं जो सीटों की जो क्वालिटी है कितनी अच्छी है। स्पेस बहुत ही कमाल का है, कम्फर्ट लेवल बहुत ही बढ़िया है। और इन सीटों की सबसे बेहतरीन चीज़ ये लगी कि आप इनको 360 डिग्री तक रोटेट कर सकते हो, मतलब जिस डायरेक्शन में ट्रेन चलती है उस डायरेक्शन में आप इसको रोटेट कर सकते हो। चलिए इस ट्रेन को और एक्सप्लोर करते हैं और फिलहाल चलते हैं अभी टॉयलेट्स में, क्योंकि टॉयलेट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि उनकी साफ़ सफाई अभी कैसी इस ट्रेन में। तो यहाँ अगर देखा जाए टॉयलेट को, तो टॉयलेट तो अभी साफ नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने यहाँ पर गुटखा थूका हुआ है, वो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर। और खैर, साफ सफाई बनी हुई है। खैर, अगर बात करें गुटखा पान की, तो गुटखा पान तो आपको हर ट्रेनों में देखने को मिल जाते हैं। हालांकि लोगों को डस्टबिन का उपयोग करना चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है, साफ़ सफाई बनी हुई है। 6 महीने बाद ट्रेन में डेंट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जब हम नई कार या कुछ बाइक खरीदते हैं तो 6 महीने बाद खुद में डेंट लग जाते हैं, तो ये तो वैसे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो डेंट होना तो नॉर्मल चीज़ है यहाँ पे। पर एक चीज़ है यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे जो नट बोल्ट है वो भी लूज़ हो चुके हैं, जिस कारण से आप ये देखें ऊपर कैसा हिल रहा है ये। तो ये शायद एक अजीब चीज़ यहाँ पे दिखी मेरे को। बाकी जो साफ़ सफाई है वो इस ट्रेन में ठीक ठाक है। और एक चीज़ और, अगर हम नीचे यहाँ पे देखें तो जो ये जो चार्जिंग सॉकेट्स हैं इससे ये काफ़ी लूज हो चुके हैं और पता नहीं किसी ने इसके साथ छेड़खानी की होगी, जो ये ढीले हो चुके हैं और काम नहीं कर रहे थे। खैर, अभी हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन यानी कानपुर सेंट्रल। और दोस्तों, ट्रेन बीच में एक मवेशी से टकरा गई थी, जिस कारण से शायद ट्रेन को कुछ नुकसान हुआ है अगले हिस्से को। चलिए उतर कर देखते हैं कि हमारी ट्रेन को कितना नुकसान हुआ है। दरवाजे सीधे तरफ खुले हैं, डोर्स ओपन ऑन राइट साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ़ सफाई चल रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक मवेशी थी वो इससे टकरा गई थी। और थोड़ा सा हल्का सा आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ तो हुआ इसके साथ। खैर, ये तो रोज़ की घटना हो चुकी है। यहाँ एक और घटना हुई थी, देख सकते हैं दूसरे ट्रैक पे एक MEMU ट्रेन है जो डिरेल हो गई है और जिस कारण से जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो भी रुकी हुई है। और जब तक ये MEMU ट्रेन को वापस से ट्रैक पर नहीं लाया जाता, तब तक हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो वहीं खड़ी रहेगी। और ये क्लिप मैंने आपको पहले भी दिखाया था, जहां मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेनें डिरेल हो जाती हैं उनको पटरी पर वापस कैसे लाते हैं।
खैर कुछ मिनटों के मशक्कत के बाद वापस से एमयू में ट्रेन को ट्रैक पर लाया गया और जिस कारण से जो हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस है उसको सिग्नल मिल गया आगे जाने का और ये वंदे भारत लगातार हॉर्न बजा करके आगे बढ़ती हुई, मानो ऐसे इसका टाइम बहुत बर्बाद हो गया हो और बहुत ही अग्रेशन में ये निकल रही है। और जाहिर सी बात है इस ट्रेन की ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम ट्रेन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसको तवज्जो मिलती है इस रूट पे और इसका एक एक मिनट बहुत कीमती है और इस ट्रेन को कितना नुकसान हुआ आप देख सकते हैं अगले वाले हिस्से को देख करके। खैर ये तो मतलब रोज़ का है, जब तक इस रूट पे ट्रैक्स के दोनों तरफ फेंसिंग नहीं हो जाती तब तक जो ऐसे हादसे हैं वो होते ही रहेंगे क्योंकि ट्रेन की स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर की रहती है और इस बीच अगर कोई भी मवेशी सामने आ जाता है तो ट्रेन को रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। खैर देखते हैं कि कब तक फेंसिंग का काम पूरा होता है ताकि जो इस ट्रेन की स्पीड है, जो मैक्सिमम स्पीड है करीब 160 किलोमीटर पर आवर की, उसको भी अचीव कर सके। खैर दोस्तों अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर से करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।